हे व्हाट्स अप गाइस, आप देख रहे हो द हैंगर इंडियन शो और आज हम बात करने वाले हैं रेन मेटल के बारे में जो कि जर्मनी कंपनी है। लेकिन उससे पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो तो, और पुराने हो तो इस वीडियो को लाइक करो, उसमें कोई पैसे नहीं लगते और एक तरीके का अटेंडेंस भी है कि इतने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं रेन मेटल के बारे में। जब रेन मेटल ने एक डिसीजन लिया कि वो यूपी में जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी और जो BHEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उसके साथ कॉरपोरेशन करेगी, तो इसका जो टैंक है बेसिकली आप देखोगे तो उसमें 130 mm का गन लगता है जो कि अभी तक का सबसे एडवांस गन है और अर्माता 2 के कंपैरिजन में। ये जो कंपनी है ये ऑलमोस्ट 100 साल से काम कर रही, मतलब 100 साल से ज़्यादा ऊपर हो गए इस कंपनी को काम करते हुए, और जो दुनिया में सबसे ज़्यादा टैंक बेचा गया है मतलब लेपर्ड टैंक जो कि ब्रिटिश फोर्सेज भी यूज़ करती है, अमेरिकन फोर्सेज भी यूज़ करती हैं, उसकी जो गन है यही कंपनी उसकी गन को मैन्युफैक्चर की है। बात करेंगे, ऐसी डिबेट्स चल रही हैं काफ़ी मीडिया हाउसेस में कि अर्जुन टैंक के ऊपर इसका जो 130 mm का गन है वो क्या लगाया जा सकता है। बेसिकली अभी अर्जुन टैंक में 120 mm का राइफल गन यूज़ किया जाता है और आज के समय में ये जो गन है ये सबसे बेस्ट माना जाता है। लेकिन आने वाले समय में जैसे कि टैंक्स के आर्मर्स एडवांस हो रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें स्ट्रांग हो रही हैं, तो उसके एवेज में आप देखते हो तो अर्जुन टैंक को और भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत है और भी एडवांस बनाने की ज़रूरत है। और जैसा कि हमने लाइट टैंक का जो टेंडर था उसे भी बंद कर दिया और वो इंडिया में भी बनने वाला है, तो आने वाले समय में टैंक को भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और हो सकता है इंडियन फोर्सेज आने वाले समय में कोई भी टैंक इम्पोर्ट ना करें। और अगर हम बात करें अर्माता टैंक के बारे में तो इसका भी जो गन है वो 120 mm का ही है, तो ये इस समय के लिए अभी के समय के लिए बहुत ही अच्छा टैंक है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में ये उस लेवल का नहीं रह पाएगा, बेसिकली सारे टैंक्स का टाइम होता है और वो अपने टाइम के बाद रिटायर होने के। लेकिन अब हम बात करें रेन मेटल के बारे में तो जैसे कि आपको पता होगा ब्रिटिश आर्मी में जो भी टैंक्स यूज़ हो रहे हैं चैलेंजर 2, तो उन सभी के गन्स को रेन मेटल ही अपग्रेड करने वाली है। और आने वाले समय में जैसे कि आपको पता होगा ब्रिटिश आर्मी की जो भी टैंक्स की फ्लीट हैं और जितने भी आर्मर व्हीकल्स की फ्लीट है वो सबसे अभी तक में स्ट्रांग मानी जाती हैं। ब्रिटिश आर्मी में जो टैंक्स हैं और जो लेपर्ड टैंक्स हैं जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली टैंक्स हैं, इन दोनों ही कंट्री के टैंक्स को रेन मेटल अपग्रेड करेगी और इन अपग्रेड्स में 130 mm की गन लगाई जाएगी उनके टैंक्स पे। तो ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं कि जब रेन मेटल इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है तो उसे अर्जुन टैंक में भी ये चीज़ लगाने का मौका मिलेगा और अर्जुन टैंक को रेन मेटल के गन के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। अर्जुन टैंक और लेपर्ड टैंक को देखोगे तो दोनों बहुत सेम दिखते हैं, मतलब बहुत ही सिमिलैरिटीज़ हैं। और अर्जुन टैंक के डिज़ाइन के दौरान क्रॉस मफर से हम सजेशन लिए गए थे और उसी को देखकर डिज़ाइन तैयार किया गया था। तो जो भी चीज़ें लेपर्ड 2 टैंक में की जाएंगी, मतलब जितने भी अपग्रेड्स आने वाले हैं लेपर्ड 2 टैंक में, वही चीज़ अर्जुन टैंक में भी की जा सकती हैं बहुत ही ईजिली। अभी तो भारतीय सेना ने अर्जुन जो टैंक है वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में किया है क्योंकि इसके वेट की वजह से, लेकिन आने वाले समय में इसका वेट और घटाया जा रहा है और इसको अपग्रेड करने की जो बात अभी चल रही है तो हो सकता है इसको अपग्रेड भी कर दिया जाए। करें फ्यूचरिस्टिक वेपन्स के बारे में तो बेसिकली अभी हमें आने वाले समय के लिए तैयार होना ज़रूरी है। तो दो ही ऐसे टैंक्स निकल के आते हैं, T-14 अर्माता की जो 152 mm की जो गन बनाई जा रही है वो, या फिर रेन मेटल की गन। यही दो ऐसी गन्स हैं जो आज के समय में इतनी कैपेबल हैं कि इनकी रेंज और मज़ल वेलोसिटी जो दोनों ही ज़्यादा होगी, और जिस गन की मज़ल वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा प्रेशर के साथ फायर कर सकता है और सामने वाला जो टारगेट है उसको बहुत ही जल्दी न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो अभी रेन मेटल ने प्रपोजल दिया हुआ है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, और ये जो है जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इस पर साइन कर देगी तो फिर ये जो कंपनी है रेन मेटल ये BHEL के साथ मिलकर अपना प्लांट बनाएगी यूपी का जो कॉरिडोर बनने वाला है डिफेंस कॉरिडोर आगरा के पास से, और उसके बाद ये जो हैं साथ में मिलकर काम करेंगे। बात कर लेते हैं स्काई शील्ड के बारे में, तो ये भी एक रेन मेटल की कंपनी है, मतलब एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाती है ये कंपनी, और जैसा कि आपको पता होगा BHEL के साथ ये कोलैबोरेशन कर रही है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि BHEL के बहुत सारे प्लांट्स हैं कानपुर में, आगरा में, हर जगह, तो ये चाहती है उनके जो प्लांट्स हैं उनका भी यूज़ करें और काम करें। असल में आ जाता, मतलब ये चीज़ फाइनल हो जाती है तो सबसे पहले ये जो है ये स्काई शील्ड अपना जो सिस्टम है वो भारत में ही बनाने की बात कर रहे हैं और $1 billion खर्च करने की भी बात कर रहे हैं। जो स्काई शील्ड एयर डिफेंस सिस्टम है ये बहुत ही पॉइंट डिफेंस सिस्टम है और ये बहुत ही केपेबल है, ये हर तरीके के टारगेट्स मतलब फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स, इन सभी को मार गिराने में सक्षम है। इसमें 2 क्रू की ज़रूरत होती है, लेकिन एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें ऐसे गन्स की ज़रूरत क्यों है जो कि इंडिया के पास ऑलरेडी है। तो बेसिकली
इंडिया के पास जो सिस्टम्स हैं वो इस तरीके के केपेबल नहीं है कि वो मोटार्स और इवन रॉकेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सके क्लोज रेंज में। तो ये जो सिस्टम है ये इस तरीके से काम करता है, 2 से 4 ऑटोमेटिक कैनन्स लगी होती हैं, इस पर आप क्रू को भी लगा सकते हो और चाहो तो क्रू नहीं भी रहे तो भी ये ऑटोमेटिकली काम कर सकती हैं अगर दूर से कोई स्टेशन से इसे किसी तरीके का ऑर्डर दिया जा रहा है और ये खुद से डिटेक्ट करके उस टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकती है। अब देखते हैं ये काम कैसे करती है। तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल इसको इस तरीके से दे सकता हूँ, अगर आपने कभी शॉटगन देखा है या फिर अगर आपने कभी पबजी या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी खेला है तो उसमें शॉटगन की जो बुलेट्स निकलती हैं वो बहुत सारे पैटलेट्स में निकलती हैं, मतलब वो एक बार निकलने के बाद उसके शेल्स अलग अलग हो जाते हैं और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छर्रे टाइप के निकलते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये भी काम करता है, इसके जो गन्स निकलते हैं वो ब्रश राउंड में निकलते हैं और वो पैलेट्स में बदल जाते हैं। जो सिस्टम है एक बार में 20 बर्स्ट फायर कर सकती है और इसको अपने टारगेट को डिटेक्ट करके और न्यूट्रलाइज करने में सिर्फ 4 से 5 सेकंड ही लगते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो राउंड है ये हवा में जाने के बाद बर्स्ट हो जाता है और हर राउंड में से 152 प्रोजेक्टाइल्स निकलते हैं, तब जाके सामने वाला टारगेट न्यूट्रलाइज हो जाता है। और इसमें इसकी स्पेशल बात ये है कि जब इसके मजल में से ये जो राउंड निकलता है तो इसके टाइम को आप चेंज कर सकते हो, मतलब आप इसके टाइम को बढ़ा या घटा सकते हो कि कितने टाइम के बाद इसको जाके बर्स्ट होना है। और ये जो काम है ये टारगेट को देखते हुए ही किया जाता है, मतलब जब आप टारगेट को देख रहे हो उसी वक्त आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो या बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। और जैसे ही वो बर्स्ट होता है वो एक क्लाउड की तरह फॉर्म हो जाता है और अगर कोई भी टारगेट अगर छोटा सा ड्रोन भी हो, अगर आप समझ लो कि चाइना की तरफ से आने वाला DJI फैंटम 4 शादी में यूज़ होने वाला ड्रोन भी हो, वो भी नहीं बच सकता इन सब चीज़ों से। और इसका जो रडार है उसमें ऑप्टिकल सेंसर भी लगा हुआ है और आप जैसे बता रहा हूँ कि अगर कोई भी फाइटर जेट आ रही है तो उसको 20 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर सकता है, अगर कोई मिसाइल है तो उसको सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे ही डिटेक्ट कर लेता ही है। 4 किलोमीटर दूर से जब इनका टारगेट आ रहा है तो 4 किलोमीटर दूर से ही ये अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। पॉसिबल है कि BHEL और Rheinmetall ये दोनों मिलकर काम करें और आने वाले समय में ये जो सिस्टम है बहुत ही केपेबल सिस्टम है और इंडिया को इस पर बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए और हो सकता है जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं इस पर इन्वेस्टमेंट हो भी। तो आज के वीडियो को इतना ही। जय हिंद।